भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ऑलराउंडर और सिक्सर किंग के नाम से पहचाने जाने वाले युवराज सिंह आज 38 साल के हो गए। युवराज ने वैसे तो क्रिकेट से संन्यास ले लिया, लेकिन लोगों के दिलों में उनकी जगह आज भी वैसे की वैसे ही बरकरार है। उन्होंने न केवल मैदान की बल्कि जिंदगी की जंग भी जीती है। युवराज ने अपनी शानदार बैटिंग की बदौलत भारत को सन 2011 का वर्ल्ड कप जिताया था, लेकिन ये वही समय था जब युवराज मैदान में खून की उल्टियां कर रहे थे, जिसके बाद युवराज के कैंसर की खबर सामने आई। बता दें कि युवराज के लंग्स में ट्यूमर था। इसके बाद युवराज अपना इलाज कराने के लिए अमेरिका के बोस्टन शहर में चले गए थे, जहां पर उनके इस कैंसर का सफलतापूर्वक इलाज किया गया और वो पूरी तरह से स्वस्थ होकर भारत आए। लेकिन ये समय उनके लिए इतना आसान नहीं था, लेकिन इस समय में उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी और कैंसर को मात दे दी। आज वो पत्नी हेजल कीच के साथ अपनी लाइफ हंसी खुशी स्पेंड कर रहे हैं। लेकिन इस पैकेज में हम आपको बताते हैं इस बीमारी के बारे में। फेफड़े का कैंसर दूसरा सबसे आम पाए जाने वाला कैंसर है, जो तेजी से फैल रहा है। जरूरी नहीं ये केवल स्मोक, तंबाकू व शराब पीने वालों को हो, लगातार बढ़ते प्रदूषण, खान पान के कारण भी लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर साल लंग कैंसर के करीब 67,000 नए मामले सामने आते हैं, जिनमें 48,000 से ज्यादा पुरुष और 19,000 से ज्यादा महिलाएं शामिल होती हैं। इसी को देखते हुए कैंसर पेशेंट की मदद के लिए युवराज ने यूवी कैन नाम की संस्था भी बनाई। यूवी कैन का मतलब यू आप, वी हम और कैन का मतलब कैंसर है। क्या है फेफड़े का कैंसर? ये एक ऐसा कैंसर है जो फेफड़ों में शुरू होकर दिमाग, किडनी के आसपास हड्डियों और लीवर में फैल सकता है। इसमें किसी एक कोशिकाओं की असामान्य वृद्धि होने के कारण टिश्यूज प्रभावित होने लगते हैं, जो कैंसर की वजह बनते हैं। लंग कैंसर चार तरह का होता है। इस कैंसर में व्यक्ति को थकान, खांसी, सांस लेने में परेशानी, छाती में दर्द, भूख कम लगना, बलगम से खून निकलना आदि जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, जिसका इलाज रेडिएशन, कीमोथेरेपी, सर्जरी टारगेटेड थेरेपी से होता है। लेकिन आप इस तरह के कैंसर से बच कैसे सकते हैं? घर से बाहर जाते समय मास्क व चश्मा पहने, कचरा व प्लास्टिक न जलाएं, क्योंकि इससे भी वायु प्रदूषण फैलता है। थोड़ी थोड़ी देर बाद पानी पीते रहें, ताकि शरीर हाइड्रेट रहे और प्रदूषण से नुकसान न हो। अपनी डाइट में हरी सब्जियां, जूस, नारियल पानी शामिल करें, ताकि फेफड़े डिटॉक्स हो सकें। घर में एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल करें। गाड़ी, घर या अन्य चीजों की साफ सफाई के लिए खतरनाक केमिकल आधारित उत्पादों की जगह इको फ्रेंडली उत्पाद इस्तेमाल करें। किसी भी तरह की नशीली चीजों से दूर रहें। इसके अलावा आप कुछ घरेलू नुस्खे अपनाकर भी लंग कैंसर के खतरे को कम कर सकते हैं। 2 से 3 तुलसी के पत्ते, 3 काली मिर्च, 2 लौंग, छोटा टुकड़ा अदरक, चुटकी भर दालचीनी और 1 हरी इलायची को 1 कप पानी में उबालकर खाली पेट पिएं। छाती में कफ होने पर सरसों के तेल में कपूर डालकर हल्का गर्म करें और छाती पर मसाज करें। कैंसर से बचे रहने के लिए गुड़ में प्याज का रस मिलाकर सेवन करें। ये सूखे और गीले दोनों तरह के कफ में कारगर है। याद रखें कि हेल्दी लाइफस्टाइल की बदौलत आप ऐसी बीमारियों से बचे रह सकते हैं। इसके लिए हेल्दी डाइट खाएं, लेकिन सैर व एक्सरसाइज करना ना भूलें। आपको हमारा ये पैकेज कैसा लगा हमें बताना ना भूलें।